वेलकम भाइयों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। तो यार चलो आज शुरू करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर नंबर। इसमें जो आपको 3 दिखा ना, अभी मैंने चैप्टर नंबर 1 डाउनलोड किया था, उसमें कुछ भी नहीं था। इट वाज जस्ट वेस्ट ऑफ द टाइम। इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर बुक था, तो आई जस्ट स्किप्ड इट, इसलिए आपको ये दिखाएगा। बट ठीक है, हमारी सीरीज के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 2 है, बट अगर आप चाहो तो इसके थ्रू भी जा सकते हो। ठीक, जो भी है, हमारे चैप्टर का नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आज हम अर्थ की आंतरिक यानी कि अंदर की बातें जानेंगे कि हमारे जहां हम जिसके ऊपर रहते हैं उसके अंदर क्या क्या मटेरियल भरा पड़ा है हमारे लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबा चैप्टर है तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, शुरू कर देते हैं। सो व्हाट डू यू इमेजिन अबाउट द नेचर ऑफ द अर्थ? डू यू इमेजिन इट टू बी अ सॉलिड बॉल लाइक क्रिकेट बॉल और हॉलो? कैसी है, खोखली है हमारी अर्थ? कैसी है विद अ थिक कवर ऑफ रॉक्स वगैरह वगैरह लिथोस्फीयर? हाउ हैव यू एवर सीन फोटोग्राफ्स और इमेज ऑफ अ वोल्केनिक इरप्शन? कभी आपने देखा होगा जो ज्वालामुखी फटते हुए on the television screens, so can you recollect the emergence of hot molten lava, dust, smoke, fire, magma flowing out of the... ठीक है, ये आ गया। अब बात करते हैं, the configuration of the surface of the earth is largely a product of the process operating in the interior of the earth. ठीक, हमारी अर्थ के सरफेस पे क्या हो रहा है वो काफी हद तक डिपेंड करता है कि अर्थ के अंदर क्या हो रहा है भैया, तभी तो बता रहे बाहर क्या चल रहा है। सो एक्सोजेनिक, जिसको बोलते हैं बाह्य, एक्सोजेनिक मतलब बाहे वाली जो क्रियाएं होंगी, एज वेल एज। एक रूल है इंग्लिश का, एक होता है एज वेल एज, नहीं सॉरी, एज एज और सो और एज का। ठीक है, ही इज एज रिच एज हिज फ्रेंड, व्हाटएवर। अब एज एज कब होता है यूज, और सो के साथ एज कब आएगा? तो जब भी कोई पॉजिटिव बात होगी तो एज एस आएगा, और जहां भी कोई नेगेटिव बात होगी तो वहां पे ये हो जाएगा। जैसे बोलेंगे ही इज, सो क्या बोलेंगे उसको, कि कुछ भी नेगेटिव सेंटेंस बना लो कि उसमें इतना वो चोर है, जस्ट लाइक अपने फादर की तरह, जो भी आप बना सकते हो। तो जहां नेगेटिव बात होगी वहां पर सो आएगा, सो और एज आएगा, एज और एज वहां पे आएगा जहां पे होगा पॉजिटिव। ये इंग्लिश का रूल है। खैर, एक्सोजेनिक एज वेल एज एंडोजेनिक, बाहर और अंदर के प्रोसेस आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप। आपको पता है ये सब हम लगातार चलते रहते हैं और एक नया नया शेप देते रहते हैं टाइम टू टाइम। सो अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजियोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ अ रीजन रिमेन्स इनकम्प्लीट इफ द इफेक्ट्स ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस आर इग्नोर्ड। ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन, सो देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट वन गेट्स एक्वेंटेड विद द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस लैंडस्केप डेवलपमेंट। ठीक, सो टू अंडरस्टैंड व्हाई द अर्थ शेक्स, ये देखो इंपॉर्टेंट है, व्हाई द अर्थ शेक्स और हाउ अ सुनामी वेव इज जनरेटेड। अब देखो यहाँ पे ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जहाँ पे हम बात करेंगे अर्थक्वेक वगैरह की। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक अभी बहुत ज्यादा आया है, न्यूज में भी था, टर्की में आया है, सीरिया वगैरह में न्यूज में था। ठीक है, हमारी फोर्सेज जाके वहाँ पे हेल्प करके आई है, तो वो सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये न्यूज में काफी रहा है। तो सिर्फ करंट अफेयर प्रोस्पेक्टिव से ही नहीं होता, करंट अफेयर से क्वेश्चन यहां से उठा लिया जाएगा। ओके, सो इट इज नेसेसरी दैट वी नो सर्टेन डिटेल्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव नोटेड दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो हाउ साइंटिस्ट हैव गैदर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज लेयर्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ दीज लेयर्स। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस चैप्टर डील्स विद। तो भैया शुरू करो ना। Sources of information about the interior. Source क्या है हमारे interior के बारे में, हमने जो पढ़ाई लिखाई करेंगे। So सबसे पहली बात, the earth का radius है 6370 किलोमीटर का है। Radius क्या होता है? हमारा त्रिज्या होती है। त्रिज्या क्या होता है? ये कोई गोला है तो उसके सेंटर से लेके आपका आउटर मोस्ट का जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक, और अगर उसको पुल कर दें तो उसको क्या बोलेंगे? दो रेडियस। इसको कुछ बोलते हैं हिंदी में, मेरे को पता है, इंग्लिश में कोई याद भी नहीं आ रहा। सो नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मेक ऑब्जर्वेशंस और कलेक्ट सैंपल्स ऑफ द मटेरियल अंडर सच कंडीशंस। यू मे वंडर हाउ साइंटिस्ट टेल अस अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर एंड द टाइप ऑफ मटेरियल दैट एग्जिस्ट एट सच डेप्थ। मतलब पहली बात तो ये कि कोई इतना अंदर जा नहीं सकता, तो साइंटिस्ट ने कैसे ये डेटा निकाला वो हम पता लगाएंगे। सो मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज लार्जली बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स एंड इन्फरेंसेस, येट अ पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेंड थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ द मटीरियल। जो अंदर से आए बाहर उनसे ही पता लगाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे डायरेक्ट
सोर्सेस क्या है हमारे साइंटिस्ट वगैरह लोग। सो भैया द मोस्ट इजली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल सरफेस रॉक। सरफेस रॉक मतलब जो कहीं ना कहीं हर से ही निकले होंगे, और द रॉक्स वी गेट फ्रॉम माइनिंग जो हमें मिलता है, खोदते हैं ना जब जमीन को, तो उनसे जो मिलते हैं हमको रॉक्स, तो सबसे पहले डायरेक्ट सोर्स है हमारा रॉक। ठीक। गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका आर एज डीप एज 3 से 4 किलोमीटर गहरी है गोल्ड माइंस। कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, ध्यान रखना। सो गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जितना आप अंदर जाओगे उतनी ज्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी, एज इट इज वेरी हॉट एट दिस डेप्थ। ठीक। बिसाइड्स माइनिंग साइंटिस्ट हैव टेकन अप अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स टू पेनिट्रेट डीपर डेप्थ्स टू एक्सप्लोर द कंडीशंस इन द क्रस्टल पोर्शंस। ठीक। ऊपर कई पोर्शन अभी हम नहीं जा पा रहे, मैंने आपको बताया था ना कि मान लो, एक सेकंड, सॉरी। हाँ जी, तो मान लो कि ये अर्थ है, मैं आपको उसका इतना पोर्शन दिखाता हूँ, ये सेंटर है, तो ऐसे मान लो ये क्रस्ट मेंटल और ये कोर वाला पोर्शन। ठीक। तो यहां से यहां तक ही हम नहीं जा पा रहे क्योंकि इतनी ज्यादा कंडीशंस सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है। सो साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर आर वर्किंग ऑन टू मेजर प्रोजेक्ट सच एज डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ध्यान रखना, नाम पूछ लेता कई बार ही। ठीक। एंड दूसरा है इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। अब ये देखो, हम ओशन ओशन से क्यों जाना चाहते हैं? पहली बात, हमारा जो डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का वो है मेरियाना ट्रेंच, फर्स्ट थिंग। ठीक। मेरियाना ट्रेंच। ठीक। सो अच्छा, हाँ, मरियाना ट्रेंच ये कौन से ओशन में? ध्यान रखना, ये हमारे है पैसिफिक ओशन में। ठीक है, प्रशांत महासागर। सो द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला। अच्छा, मैंने हाँ बताने वाला था, उसके पॉइंट ये था कि ओशन दोनों है, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और दूसरा है इंटीग्रेटेड ओशन। अब दोनों ओशन से क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ओशन, पहली बात तो हमारा समंदर है काफी गहरा ऑलरेडी। क्यों? मरियाना ट्रेंच देखो कितनी गहराई है उसकी, तो वहां से हम ऑलरेडी काफी डेप्थ तक पहुंच जाएंगे। अगर हम उतने ही डेप्थ के लिए इधर हम लगाएंगे, मतलब कहीं अर्थ से जाना जाएंगे, तो हमारा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। सो बेटर कि हम ओशन से जाएं। ठीक। आपने एक मूवी भी आई है इसके ऊपर, आई एम नॉट श्योर मूवी का नाम मेरे को याद नहीं है, इसके ऊपर देखना आप, ऐसे सर्च करना आपकी डिस्कवरी अबाउट अर्थ इंटीरियर मूवी, हॉलीवुड मूवी आपको मिल जाएगी, अच्छी मूवी है। ओके। सो द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला, ये कहाँ है? कोला में भैया, आर्कटिक ओशन में। हैज सो फार रीच्ड एट डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर। सो दिस एंड मेनी डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हैव प्रोवाइडेड लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द एनालिसिस ऑफ मटीरियल्स कलेक्टेड एट डिफरेंट डेप्थ। हम जितना नीचे जाते हैं वहां वहां से क्या करते हैं, मटीरियल्स को कलेक्ट करके ले आते हैं। ठीक है, और उनको एनालिसिस करते हैं। खैर, वोल्केनिक इरप्शन फ्रॉम फॉर्म्स अनदर सोर्स ऑफ ऑप्टेनिंग। अब देखो, वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, आपको पता है, वाल्का हमारे ज्वालामुखी फटते हैं। ठीक। ये हमारा दूसरा सोर्स है इन ऑप्टेनिंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का। एज एंड वेन द मोल्टन मटीरियल, जब हमारा पिघला हुआ मटीरियल जिसको मैग्मा बोलते हैं, इज थ्रोन ऑन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन, इट बिकम्स अवेलेबल फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस। ठीक। हाउएवर इट इज डिफिकल्ट टू एसरटेन द डेप्थ ऑफ द सोर्स ऑफ द सचन। अब हमें ये नहीं पता कि मैग्मा जो निकला है अर्थ से बाहर, वो भाई साहब बोलकर जो हमारा था वो यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है और नीचे निकला है, कहाँ से, वो हमें नहीं पता। बट ठीक है, वो हमारा एक अर्थ का जो मैग्मा है, वोल्केनिक इरप्शंस का, सॉरी, वो हमारा डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, देखो, डायरेक्ट सोर्स हमारे दो थे, डायरेक्ट सोर्स हमारे दो ही हैं यार, देखो बेसिकली अगर देखे जाए, एक तो पत्थर, दूसरा हमारा इरप्शन जो हमारा वोल्केन करता है। इनडायरेक्ट सोर्स की बात करते हैं, सो एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटी, ओके, दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपको पता है नीचे जाने पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा, इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस टूवर्ड्स द इंटीरियर इन डीपर डेप्थ। मोर ओवर इट इज ऑल्सो नोन दैट द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल ऑल्सो इंक्रीज विद डेप्थ, जितना आप नीचे जाओगे उतनी आपकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक। इट इज पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स नोइंग द टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ। साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड द डेंसिटी ऑफ मटीरियल्स एंड एट अ डिफरेंट डेप्थ। सो द डिटेल्स ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विद रेफरेंस टू ईच लेयर ऑफ द इंटीरियर आर डिस्कस्ड लेटर इन दिस चैप्टर, बात करेंगे उसके बारे में भी। अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर द मीटियोर्स दैट एट टाइम्स रीच द अर्थ। हाउएवर इट मे बी नोटेड, पहले मीटियोर्स लिख लो आप, इट मे बी नोटेड दैट द मटीरियल दैट बिकम्स अवेलेबल फॉर एनालिसिस फ्रॉम मीटियोर्स इज नॉट फ्रॉम द इंटीरियर। अब जो मीटियोर्स है ना, ये अर्थ के अंदर से नहीं आए हैं। द मटीरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन द मीटियोर्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। देयर सॉलिड बॉडीज हैं,
डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल टू सेम एज मटेरियल सेम एज और सिमिलर टू आवर प्लैनेट, ठीक, हेंस दिस बिकम्स येट अनदर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो मीटियोर डायरेक्टली अंदर से नहीं आए हैं, लेकिन हमारा इनडायरेक्ट सोर्स है ना, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट जो अदर इनडायरेक्ट सोर्स है वो इंक्लूड करता है हमारा ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, सिस्मिक एक्टिविटी, ठीक। अब देखो ये चीजें आपको याद नहीं रखनी है, आपने अगर डायरेक्ट सोर्स याद रख लिया ना, सीधा आप एलिमिनेट कर पाओगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज कम इन द डायरेक्ट सोर्स और डज नॉट कम। सिंपल, ग्रेविटेशन और डायरेक्टली नहीं बता सकते, सेम विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड सेम विद द सिस्मिक एक्टिविटी, यू आर नॉट डायरेक्टली गेटिंग दीज थिंग्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज थिंग्स। एक एक के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है कि द ग्रेविटेशन फोर्स जी इज नॉट सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सर्फेस, ऑब्वियसली सेम नहीं है, इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर, ध्यान रखना। ये हमारा अर्थ मान लो, तो ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा है साउथ पोल, तो जो जी की वैल्यू है ना, अगर आप इक्वेटर से ऊपर जाओगे ना तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि इक्वेटर से पोल पे जाने पर हमारी जी की वैल्यू बढ़ती है, फिर चाहे आप साउथ पोल पे जाओ या फिर नॉर्थ पोल पे जाओ, और हमारे इक्वेटर पे जी की वैल्यू है मिनिमम, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते, इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स, ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर। अभी इसका रीजन क्या है कि जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ऑफ द अर्थ है, वहां से डिस्टेंस एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर, इक्वेटर तक का डिस्टेंस ज्यादा है देन दैट एट द पोल्स, वो कैसे अगर मैं आपको बताऊं, देखो ये जो मैंने चित्र बनाया एकदम सही बनाया, कैसे, ये हमारी बल्जी थोड़ा शेप दिख रहा है ना आपको, बल्जी शेप, ठीक। अब देखो बल्जी है तो इनके यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कम है, जबकि यहाँ से अगर आप सीधे ऊपर आओगे ना, सीधे ऊपर, ऊपर मतलब इस साइड में मान लो, अब आपको मैं समझा नहीं सकता, 3D यहाँ पे बना नहीं सकता, लेकिन अगर आप यहाँ से सीधे ऊपर आओगे पोल्स पे ना जाके, तो यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक। तो डिस्टेंस ज्यादा है तो आपका ग्रेविटेशन मिनिमम हो जाएगा, और डिस्टेंस कम है तो आपका ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, बस ये है, ठीक। ओके, सो द ग्रेविटी वैल्यूज ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटीरियल, अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटीरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंस करता है दिस वैल्यू को, सो द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी अदर फैक्टर्स, सो दीज रीडिंग्स डिफर करती है फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज, सच अ डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रेविटी एनोमैली, ध्यान रखना। ये टर्म दे देगा और पूछ लेगा कि वॉट इज दिस टर्म अबाउट, या फिर इससे क्या मिलता है, ग्रेविटी एनोमैली गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द मटीरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ग्रेविटी एनोमलीज, इससे हमको पता लगता है इंफॉर्मेशन किसके बारे में, मास ऑफ द मटीरियल इन द क्रस्ट, हमारे अर्थ के क्रस्ट में मटीरियल का मास का मतलब जो मास का उसका है, मटीरियल का मास जो भी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है, ये हमारा ग्रेविटी एनोमलीज बताता है। मैग्नेटिक सर्वे ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल इन द क्रस्टल पोर्शन एंड दस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल इन द स्पॉट। तो दूसरा आपको मैग्नेटिक बता ही चुका हूं आपको। सिस्मिक एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हेंस वी शैल डिस्कस इट इन सम डिटेल। तो भैया बात करने अर्थक्वेक, सिस्मिक एक्टिविटी, ठीक। चलिए जी, द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर, एन अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड, सिंपल वर्ड इज शेकिंग ऑफ द अर्थ, ठीक, अर्थ हिलती है, इसको बोलते हैं हिला डोला आएगा। इट इज अ नेचुरल इवेंट, ठीक, इट इज कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस, इसके बारे में बात करते हैं। सो व्हाई डज द अर्थ शेक, अर्थ हिलती क्यों है, द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक्स, रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस एज द ओवरलेइंग रॉक स्ट्रेटा प्रेस देम, द फ्रिक्शन लॉक्स देम टुगेदर। अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूं फटाफट। अब बस समझ जाना, मैं बेसिक बेसिक बताऊंगा आपको, ठीक है। ये जो मैंने बनाया, ये सारे कॉन्टिनेंट्स है ना, ठीक है, ऊपर हमारा है और इधर हमारा अंटार्कटिका, ये सारे मेजर प्लेट्स हैं, जैसे अमेरिकन प्लेट हो गई, ठीक है,
यहाँ से यूरेशियन प्लेट हो गई, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट हो गई, ये जो मेरी मेजर प्लेट्स है ना, ध्यान रखना, ऐसे ही इधर हमारी एक जो प्लेट है, कौन सा ओशन है आपको, पैसिफिक ओशन, ठीक है, इसको बोलते हैं पैसिफिक प्लेट, ठीक है, ये प्लेट बाउंड्रीज जो है ना हमारी, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही अंटार्कटिक प्लेट है, ठीक, सिमिलरली इंडियन ओशन प्लेट है, तो जितने भी ओशन उनके नाम पे प्लेट होगी। अब ये प्लेट्स क्या कर रही है, अब ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर टकरा रही है, जैसे टकरा रही है, मूव कर रही है, आपको पता है कि एक एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, अगर एक दूसरे की तरफ या तो कोलाइड होगी या तो ये एक दूसरे से अलग जा रही होंगी, ठीक, इनका मूवमेंट कैसे हो सकता है, वो हो सकता है ऊपर नीचे अलग हो सकता है, ठीक, ये मूवमेंट तीन तरीके के हो सकते हैं, ओके, या तो एक दूसरे टकरा रही होंगी, या तो दूर जा रही होंगी, या फिर ऊपर नीचे मूव हो रही होंगी, इन तीनों मूवमेंट से अगर कोई भी एक होता है, अगर दो प्लेटें टकरा रही हैं, दूर जा रही हैं, या फिर ऊपर नीचे मूव कर रही हैं, तब आता है हमारा अर्थक्वेक, ध्यान रखना, ठीक। अब आपको पता ही है हमारी एक, जैसे ये हमारी अंटार्कटिक प्लेट एक ऐसी है ओशन प्लेट है, ठीक, और ये हमारी यूरेशियन प्लेट, मान लो ये हमारी कैसी प्लेट है, ये ओशन की नहीं, इसको क्या बोलेंगे हमारी टेरेस्ट्रियल प्लेट, मान लो आप क्या बोलेंगे उसका, जो प्लेट है जो ओशन में नहीं है। अच्छा, अगर मान लो जैसे इंडियन ओशन है, इधर इंडियन ओशन है, सिमिलरली यहाँ पे हमारा इंडिया है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। तो जो ओशन है, ओशन की एक प्लेट है, और जो हमारी टेरेस्ट्रियल प्लेट है, ठीक, जो लैंड वाली प्लेट है। अच्छा ये बताओ, इसमें से जो हैवी होगी वो नीचे बैठ जाएगी, ओके, तो आप बताओ इसमें दोनों में हमारी जिसपे मतलब सॉलिड वाली वो हैवी होगी या फिर ओशन प्लेट ज्यादा हैवी। तो भैया हमेशा ध्यान रखना, जो हमारी ओशन वाली होती है ना वो डेंसिटी ज्यादा होती है और इसलिए वो ज्यादा हैवी होती है, तो कभी भी मूवमेंट अगर एक दोनों तरफ हो रहा ना तो ये हमेशा नीचे जाएगी और ये ऊपर जाएगी, ठीक। तो ये सारा केस होता है इसमें, और इससे क्या होता है, रॉक्स मतलब फॉल्ट बनते हैं। सो एज द ओवरलेइंग रॉक स्ट्रेटा प्रेस देम, द फ्रिक्शन लॉक्स देम टुगेदर, हाउएवर देयर टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ओवरकम्स द फ्रिक्शन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एंड एज अ रिजल्ट द ब्लॉक्स गेट डिफॉर्म्ड एंड इवेंचुअली दे स्लाइड पास्ट वन अनदर एब्रप्टली, सो दिस कॉजेज अ रिलीज ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, द पॉइंट वेयर द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। ये टर्म्स ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आया पिछली साल। Alternatively, it is called the hypocenter. Focus का ही दूसरों जगह नाम है hypocenter. The energy waves traveling in different direction reach the surface. So the point on the surface nearest to the focus is called epicenter. Epicenter is वो जगह है जहाँ पर focus से निकल के सीधे जाके हमारी पहली जगह टकराती है हमारी earthquake waves. It is the first one to experience the waves. ठीक है? It is a point directly above the focus. अगर मैं आपको बताऊँ, तो मान लो अगर यहाँ पे earthquake, ये earth है हमारी, यहाँ पे मान लो अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो यहाँ से जो वेव्स निकलेंगी पहली, तो इसको तो बोलेंगे हम या तो फोकस बोल लो या फिर दूसरा नाम बोल दो हाइपोसेंटर, ऑलराइट, लेकिन जहाँ पे टकराएंगी इसको बोलते हैं हम एपिसेंटर। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था, ठीक, सीरियस का ये 2022 का टू अर्थक्वेक वेव्स की अब बात करते हैं। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर, अपर पोर्शन जो हमारा अर्थ का है। यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ लेटर इन दिस चैप्टर, ठीक, इट इज सफिशिएंट टू नोट हियर दैट लिथोस्फीयर रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ डेप्थ अप टू, तो 200 किलोमीटर तक की जो गहराई है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ से, उसको बोलते हैं हम लिथोस्फीयर, ठीक। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ, ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है क्या, द वेव्स रीचिंग द सर्फेस, जो वेव्स हमारी अर्थक्वेक वाली हैं जो सर्फेस पे पहुंचती हैं उनको सिस्मोग्राफ ऐसे ऐसे नोट करता रहता है, ठीक है। तो अ कर्व ऑफ अर्थक्वेक वेव्स रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफ इज गिवन, जो भी है दिखाएंगे नीचे, नोट दैट द कर्व शोन थ्री डिस्टिंक्ट सेक्शन ईच रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स पैटर्न्स। सो अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप, एक होती है हमारी बॉडी वेव्स एंड दूसरी होती है सर्फेस वेव्स, ठीक। तो बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शंस ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, हेंस द नेम बॉडी वेव्स। The body waves interact with the surface rocks and generate a new set of waves, जिनको बोलते हैं surface waves. These waves move along the surface, and the velocity of waves changes as they travel through materials with different densities. The denser the material, the higher is the velocity. ठीक,
इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड में सबसे ज्यादा ट्रेवल करेंगी और लिक्विड में और गैस में सबसे कम. सो द डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एज द रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटीज. ठीक है, तो सिस्मोग्राफ देखो ऐसे काम करता है. ठीक, ये लिख रहा है ना, ये अराइवल टाइम होता है जहां पर ऐसी ऐसी बात हो, यानी कि पी वेव्स आ गई और उसके कुछ ही सेकंड्स में एस वेव्स आ जाती है. एक्चुअली इनके बीच में ना हम सिस्मोग्राफ काम इसलिए नहीं कर पाते, हमारे पास टाइम पीरियड बहुत कम रहता है, बट स्टिल फिर भी हमने अलार्म जोन वगैरह लगा रखे हैं, फटाफट फटाफट अलार्म बजा देते हैं, लोग आ जाते हैं गली वगैरह जो भी ओपन स्पेस में. देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, दे आर कॉल्ड पी एंड एस वेव्स. पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सर्फेस. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव्स, पी फॉर प्राइमरी वेव्स. The P waves are similar to the sound waves. क्यों? They travel through gas, liquid and solid materials. तीनों से चल सकते हैं. Second waves हैं जो हमारी उनको बोलते हैं S waves. S waves arrive at the surface with some time lag, कुछ time के बाद. These are called the S for secondary waves. ठीक. An important fact about S wave is that they can travel only through solid material. ध्यान रखना. अब इसमें कुछ याद रखने लायक है नहीं. प्राइमरी वाली तीनों से कर सकती है क्योंकि वो साउंड वेव की तरह होती है, जबकि एस वेव सेकेंडरी और सॉलिड. ध्यान रखना, एस फॉर सेकेंडरी और एस फॉर ही होता हमारा सॉलिड. सो दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एस वेव इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. इट हैज हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव्स टू रीबाउंड, वेयर एज रिफ्लेक्शन मेक्स मूव मेक्स वेव्स. देख लो क्या बन रहा है, मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन. So the variation in the direction of waves are inferred with the help of their record on seismograph, and the surface waves are the last to report on seismograph. These waves are more destructive. They cause displacements of rocks and hence collapse of the structure. आपको मैं इधर समझाता हूँ, टेंशन मत लो. ये हमारी अर्थ है. यहाँ पे मान लो यहाँ से सबसे पहले वेव्स ऊपर जाएंगी, चारों तरफ जाएंगी, नॉट ओनली ऊपर, चारों तरफ जाएंगी. ठीक, हर तरफ जाएंगी, लेकिन हमें एक तरफ की समझ लेनी है, बाकी दुनिया बाहर है, बाहर. ओके, तो मान लो हम ये वाली समझ लेते हैं ना, ऊपर वाली. तो जहां से निकली इसको तो बोलते हैं या तो फोकस या फिर हाइपो सेंटर. आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, इसको बोलते हैं एपी सेंटर. ओके, अब वेव्स की बात करें तो तीन टाइप की थी, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, और इन दोनों के मिलने से जो बनेंगे उनको बोलते हैं एल वेव्स, या फिर इनका दूसरा नाम है सरफेस वेव्स. ठीक, अभी क्या होती है, तो सबसे पहले जो वेव्स निकलेंगे हमारी, जैसी कोई फॉल्ट हुआ, एक वेव्स जाएगी ऊपर टकराएगी, उसको बोलेंगे पी वेव्स. ये जाएगी ही जाएगी, ये तो पक्का जाएगी. क्यों? क्योंकि ये तीनों से ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से ट्रेवल कर सकती है, इसलिए चली जाएगी. तो पी वेव, हम ध्यान रखना, क्वेश्चन घुमाता बहुत है यूपीएससी, ये पूछ लेगा कौन सी वेव्स हमारे रिसर्च में हेल्प नहीं करती, तो बोल देना भैया पी वेव्स. क्यों? क्योंकि ये तीनों से पास हो जाएंगी, तो हमें क्या पता कौन सा लिक्विड जगह थी, कौन सी सॉलिड थी, कौन सा गैस था, हमें कुछ नहीं पता. लेकिन हमारी जो हेल्प करती है वो हमारी सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स. इसके बाद जस्ट रिलीज होंगी, जब वो जाएंगी, मान लो यहाँ पे लिक्विड हुआ तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, रिबाउंड भी हो सकती है. ठीक, इधर वाली नहीं जाएंगी, तो जिधर उनको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एस फॉर सॉलिड, एस फॉर सेकेंडरी वेव्स, तो वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वाली जगह से ही जाएंगी. तो यानी कि अगर मान लो यहाँ से इधर सीधे पहुंच गई, तो इसका मतलब ये पता लग गया कि जो एपी सेंटर था, क्योंकि प्राइमरी वेव्स इधर भी पहुंची होंगी, चारों तरफ पहुंची होंगी, ये पूरा रूट जो है, ये यहाँ पे कुछ भी लिक्विड नहीं, यहाँ पे सारा क्या है, सॉलिड है. ठीक, तो मान लो अगर हमारे किसी को रिसर्च करनी है, फिर मतलब माइनिंग करनी किसी चीज की, पेट्रोलियम गैस वगैरह की, तो यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता लग गया यहाँ से सॉलिड वेव्स आई हैं, सेकेंडरी वेव्स आई है, सॉरी, तो यहाँ पर कोई नहीं है ऐसा मटीरियल. ठीक, और जैसे ये दोनों मटीरियल, ये दोनों पहुँचती हैं, पी प्लस एस, ये टकराती हैं हमारे जो भी हैं यहाँ पे, और ऐसे ऐसे घूम जाती हैं, और ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं, कौन सी, हमारी एल वेव्स, जो लास्ट में पहुँचती हैं. गॉट इट? प्रोपेगेशन ऑफ अर्थक्विक वेव्स की बात करते हैं भैया. तो डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्विक्स waves travel in different manners as they move or propagate. They cause vibration in the body of the rocks through which they press. P waves vibrate parallel to the direction of the wave. P waves, P for primary waves, और ये parallel है, direction of the wave के parallel में चलती है. This exerts pressure on the material in the direction of the propagation.
and as a result it creates density difference in the material leading to stretching and squeezing of the material. Okay, so other three waves vibrate perpendicular to the direction of propagation except p other jo hai na hamari waves wo sari perpendicular hoti hain propagation ke. ठीक है, लंबवत इसको बोलते हैं. सो द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एस वेव्स इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन. हेंस दे क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास. सो सरफेस वेव्स आर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव्स. और सरफेस वेव्स का दूसरा नाम क्या था? एल वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इनको बोलते हैं. एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल. खैर, emergence of shadow zone. अब कुछ shadow zone भी बनेगा, आपको बताऊंगा. ठीक, earthquake waves get recorded in seismographs located at far off locations. However, there exist some specific areas where the waves are not reported. Such a zone is called the shadow zone. जहाँ पर report नहीं होती उनको बोलते हैं shadow zone. The study of different events reveals that for each earthquake there exist an altogether different shadow zones. ठीक, जो भी हम देखेंगे shadow zones of P and S waves. It was observed that seismographs located at any distance within 105 degree from the epicenter recorded the arrival of both primary and secondary waves. However, the seismographs located beyond 145 degree from epicenter recorded the arrival of P waves only but not of the S waves. Thus, a zone between 105 and 145 from epicenter was identified as the shadow zone for both the types of waves. ये हमारा 360 है, मान लो यहां से मान लो निकला और यहां पे जाके चिपक गया, तो ये तो बन गया हमारा एपिसेंटर. ठीक, यहां से ये 90 मान लो, ठीक 105 145. ठीक, तो 105 से 145 यह वाला एरिया जो है हमारा, इसको बोलेंगे हम shadow zone. Got it? So thus a zone between 105 and 145 from epicenter was identified as the shadow zone for both the type of waves. The entire zone beyond 105 does not receive S waves. The shadow zone of S waves is much larger than that of P waves. The shadow zone of P waves appears as a band around the earth between 105 and 145 degree away from the epicenter. The shadow zone of S waves is not only larger in extent, but it is also a little over 40% of the earth surface. You can draw the shadow zone for any earthquake provided you know location. अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था यार, जो P waves है ना, वो तीनों से travel कर सकते हैं. ठीक, और P waves से कोई destruction नहीं होता, ये just हमको measure करती है. तो ये चारों डायरेक्शन में जाती हैं और ये तीनों मटेरियल से सॉलिड लिक्विड गैस से कर सकती हैं, तो ये चारों तरफ जाएंगी. लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स हैं, जो हमारा मेजर रोल प्ले करती हैं क्या बनाने में, पी प्लस एस बनेंगी तभी होगा ना डिस्ट्रक्शन. एल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सरफेस वेव्स, तो भैया मेजर जो आपको मिलेगी तो प्राइमरी वेव्स तो मिल जाएगी, लेकिन सेकेंडरी वेव्स इन जगह पर नहीं मिलेगी. जो हमारा शैडो जोन है 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में. खत्म. टाइप ऑफ अर्थक्वेक की बात करते हैं. सो द मोस्ट कॉमन वंस आर द टेक्टोनिक अर्थक्वेक. आपको बताया था ना प्लेट्स, टेक्टोनिक वाला. दीज आर जनरेटेड ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट प्लेन. सेकंड है, अ स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज सम टाइम रिकॉग्नाइज्ड एज वोल्केनिक अर्थक्वेक. ठीक है, जो वोल्केनों के फटने से होता है. हाउएवर दीज आर कन्फाइंड टू एरियाज ऑफ एक्टिव वोल्केनोस. तो ये जनरली उन जगह पर होता है जहां पर एक्टिव वोल्केनोस हैं, जैसे कि हमारा जो पैसिफिक ओशन है ना, वहां पे हमारे एक्टिव वोल्केनोस हैं जो हमेशा फटता रहता है, नाम याद नहीं आ रहा, तो वहां पर ही होता है. यहाँ पे देखो, उन्होंने वो पूरा शैडो जोन बना रखा है. ठीक, ये अंदर वाला कोर वाला एरिया है. ठीक है, यहाँ पे सबसे टकराई तो एपिसेंटर ही हो गया 105. ठीक, 145 पी वेव शैडो जोन. ठीक, नो डायरेक्ट पी वेव्स. S वेव शैडो जोन की बात करें,
तो 105 से ऊपर मिलेंगी और 105 से इधर ईस्ट टू वेस्ट 105 मिलेगी आपको सिर्फ, नो डायरेक्ट एसवीज। ओके मुझे कुछ याद आ रहा है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर हमारा कोर, मुझे लग रहा है हमारा जो कोर है वो है लिक्विड स्टेज में, और आपको पता है जो हमारी एस वेव्स हैं वो डायरेक्टली नहीं जाती हैं एक्सेप्ट सॉलिड, तो इसलिए यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पी वेव्स जाती हैं, इसलिए ये पी वेव्स यहाँ मिल जाती हैं। ठीक, जबकि एस वेव्स भी जाती होंगी लेकिन चूंकि वो लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती हैं तो इसलिए वो यहाँ पर डिसअपीयर हो जाती हैं, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ इतने ही बीच में रहती हैं। ओके नेक्स्ट नंबर थ्री है, इन द एरियाज ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी यहाँ पे होती है, समटाइम्स द रूफ्स ऑफ अंडरग्राउंड माइंस कोलैप्स कर जाती हैं कॉजिंग माइनर टर्म्स, दीज आर कॉल्ड कोलैप्स अर्थक्वेक्स। ठीक, तो इनकी वजह से भी होता है। नेक्स्ट है, ग्राउंड शेकिंग में ऑल्सो अकर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल या फिर न्यूक्लियर डिवाइसेस, हम जो टेस्ट करते हैं ना उनकी वजह से, तो सच ट्रेमर्स आर कॉल्ड एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स। गॉट इट। लास्ट है हमारा, the earthquake that occur in the areas of large reservoirs are referred to as reservoir induced earthquakes। ये क्यों होते हैं? क्योंकि हम जैसे भाखड़ा नेंगल जो डैम है, ठीक, या फिर टिहरी डैम, यस बहुत इंपॉर्टेंट है, टिहरी डैम जो हमारा उत्तराखंड पे भागीरथी रिवर पे, ठीक है, कौन सी रिवर पे ध्यान रखना, भागीरथी रिवर पे, गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है, इस पे क्या है, गंगा में मतलब अलग गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये टिहरी डैम जो बना हुआ है इस, ये जोन फाइव में आता है। अब जोन फाइव अर्थक्वेक क्या है, जो मोस्ट मतलब बहुत ज्यादा उस पे है रिस्क पे, हाई रिस्क पे, क्यों? अब देखो पहाड़ों के बीच में आपने, ये पहाड़ है ठीक है, इनके बीच में इधर से पानी आ रहा था, आपने डैम बना दिया, ऊंचा डैम बना दिया, पानी इकट्ठा हो गया। अब नीचे आपको पता है हमारे, अगर मैंने आपको पहले पढ़ाया था, मैंने क्या बताया था कि हमारा जो हिमालयन रीजन है ना वो अनस्टेबल है, और जो हमारा डेक्कन प्लेटू है, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू जो हमारा वो स्टेबल जोन है, तो ध्यान रखना। खैर ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, तो यहाँ पर भी प्लेट्स होंगी, अगर यहाँ पे पानी हमने इकट्ठा किया तो लोड बढ़ जाएगा, नीचे वाली प्लेट्स डिस्टर्ब हो सकती है ना, तो ये भी है रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। ओके, तो टिहरी डैम इसीलिए बनाया गया, मतलब बताया जा रहा है जोन फाइव में कि जब ये फटेगा तो पता नहीं क्या करेगा। खैर अब बात करते हैं मेजरिंग अर्थक्वेक्स के बारे में कि अर्थक्वेक कैसे मेजर करते हैं। सो द अर्थक्वेक इवेंट्स आर स्केल्ड ईदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। ठीक, तो यहाँ पे दो स्केल है, नंबर एक रिक्टर स्केल जिससे हम पता लगाते हैं कि भैया कितने मैग्नीट्यूड का था। ठीक, द मैग्नीट्यूड रिलेटेड टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक, जब झटका आया था अर्थक्वेक का उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई वो पता बताता है, एंड द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स 0 to 10 होता है। ठीक, द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मार्केलीस एंड इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था, तो मर्केली होता है जिससे हम बता सकते हैं इंटेंसिटी। ओके ठीक, सो द इंटेंसिटी स्केल टेक्स इनटू अकाउंट द विजुअल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट, द रेंज ऑफ इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी स्केल होता है यानी कि हमारा जो मर्केली स्केल है उसका 1 to 12 होता है। ठीक, तो उसका 10 होता है, 1 to 10, 0 to 10। ओके, अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। नंबर एक, अर्थक्वेक इज अ नेचुरल हैजार्ड, द फॉलिंग आर द इमीडिएट हैजार्ड्स इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। नंबर एक, ग्राउंड शेकिंग, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट अलग अलग हो जाता है, लैंड एंड मड स्लाइड, सॉइल लिक्विफिकेशन हो जाता है, ग्राउंड लर्चिंग, एवलांचे आ जाते हैं पहाड़ों वगैरह पे, ग्राउंड डिस्प्लेस हो जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं फ्रॉम डैम एंड लीव फेलियर्स, ठीक, फायर वगैरह लग जाती है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो जाता है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, सुनामी, ये सब आ जाते हैं। सो द फर्स्ट सिक्स लिस्टेड अबव हैव सम बेयरिंग अपॉन लैंडफॉर्म्स, व्हाइल अदर्स मे बी कंसीडर्ड द इफेक्ट्स कॉजिंग इमीडिएट कंसर्न टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पीपल इन द रीजन। Effect of tsunami would occur only if the epicenter of the tremor is below oceanic waves, waters, and the magnitude is sufficiently high. Tsunami tabhi hogi jab ye hamara banta hai, hamara release hoga energy, to epicenter ka banega oceans mein. Theek hai? Tsunamis are waves generated by the tremors and not an earthquake in itself. Though the actual quake activity lasts for a few seconds, its effects are devastating provided by the magnitude of the quake is more than 5 on the Richter scale. Okay, तो ये सब उन्होंने दिखा रखा है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ था। Okay, frequency of earthquake occurrences कैसे होता है? So earthquake is natural hazard. If a tremor of high magnitude take place, it can cause heavy damage to the life and property of people. However, not all the parts of the globe necessarily experience major shocks.
we shall be discussing the distribution of earthquakes and volcanoes with some details in the next chapter. Note that the quakes of high magnitude, that is 8 plus, are quite rare. 8 plus magnitude ka agar aa gaya to bahut rare hai lekin bahut khatarnak hota hai. Theek, they occur once in 1 to 2 years, whereas those of tiny types are almost every minute. Matlab chote mote to har to 1 2 minute mein aate hain, lekin baki to bahut ek to saal mein aate hain. Structure of the earth ki baat karte hain. Time zyada ho raha hai to hum thoda sa speed pakdenge, but samajh mein aayega, tension mat lo. Number 1, aapko bataya tha sabse upar wala crust hai. It is the outermost solid part of the earth. Dhyan rakhna, crust hamara solid part hai. It is brittle in nature. Isko aap tukda tukda kar sakte ho. The thickness of the crust varies under the oceanic and continental areas. Yani ki jo hamare crust portion hai, iski jo motai hai, ye hamara jo ocean hai usme different hai, aur hamara continent jahan pe hum rehte hain wahan pe different hai. Oceanic crust is thinner. Jo hamara oceanic ka crust hai wo thinner, patla hai as compared to the continental crust. Yani ki jahan hum rehte hain ये ज्यादा है, मतलब मोटा, जबकि ये ओशनिक क्रस्ट वाला जो इसकी चौड़ाई है हमारे क्रस्ट की, ठीक है, थिकनेस है वो कम है. सो द मीन थिकनेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर, मतलब समझ रहे हो. इसलिए मैंने बोला था ना, जो हमारे इंटीग्रेटेड ओशनिक जो मिशन चल रहे हैं वो सारी ओशन से, क्यों, क्योंकि ओशन में सिर्फ 5 किलोमीटर खुदाई करके आप जा सकते हो इंटीरियर मेंटल में, नेक्स्ट वाला स्टेज में. जबकि हमें अगर कॉन्टिनेंट में जाना, कॉन्टिनेंट से खुदाई करोगे तो भैया 30 किलोमीटर की सुरंग बनानी पड़ेगी, ठीक है. द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरियाज ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम. इट इज एज मच एज 70 किलोमीटर थिक इन द हिमालयन रीजन. क्योंकि हाइट बढ़ जाती है तो और गहरा जाना पड़ेगा. नेक्स्ट स्टेज है, दैट इज मेंटल. द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल पोर्शन. द मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहोज डिस्कंटिन्यूटी टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. आपको बताया था ये कंटिन्यूटी के बारे में. द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एज थोनोस्फेयर. ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. लिथोस्फेयर तो हमारा था क्रस्ट, लेकिन एस्थोनोस्फेयर है हमारा अपर मेंटल. ओके, मेंटल में भी कौन सा है, अपर पोर्शन ऑफ मेंटल, यानी कि अपर मेंटल इज नोन एज थोनोस्फेयर. The word asthenosphere means weak, kamjor. So it is considered to be extending up to 400 km. It is the main source of magma. Thick that finds. So bhaiya isko kya milta hai? That finds its way to the surface during volcanic eruptions. The crust and the uppermost part of the mantle are called lithosphere. Okay. Sorry. Asthenosphere kya hai? Wo hai sirf aur sirf only अपर मेंटल. जबकि जो हमारा लिथोस्फेयर है ना, उसमें पूरा क्रस्ट आ जाएगा, अपर प्लस लोअर प्लस अपर मेंटल भी आ जाएगा, ठीक. सो इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 10 टू 200 किलोमीटर. सो द लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एस्थोनोस्फेयर. इट इज इन सॉलिड स्टेट. ओके, ये देखो अर्थ कंट्रोल स्ट्रक्चर बना रखा है. ये सेंटर है सॉलिड, फिर लिक्विड, और ये जो है ना सबसे ऊपर क्रस्ट है 0 to 100 किलोमीटर मोटा है. मेंटल और कोर, ये अपर कोर लिक्विड है, लोअर कोर सॉलिड है, जब हम बात करेंगे नहीं अंदर, ठीक. कोर के बारे में बात करते हैं. सो एज इंडिकेटेड अर्लियर, द अर्थक्वेक वेव वेलोसिटीज हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ. ओके, सो द कोर मेंटल बाउंड्री इज लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, ठीक. आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट, आपको बताया था स्टेट, वाइल द इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट. तो ध्यान रखना, द कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल, मोस्टली कॉन्स्टिट्यूटेड बाई निकल एंड आयरन. इसलिए मैंने आपको बोला था ना निफे, एफ ई मतलब आयरन. तो इट इज समटाइम रेफर टू एज द निफे लेयर. ओके, वोल्केनो एंड वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं. सो यू मे हैव सीन फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स ऑफ वोल्केनोज ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजंस. अ वोल्केनो इज अ प्लेस वेयर गैस, ऐश एंड मोल्टन रॉक मटीरियल, लावा वगैरह स्केप टू द ग्राउंड. सो अ वोल्केनो इज कॉल्ड एन एक्टिव वोल्केनो इफ मटीरियल्स मेंशनड आर बीइंग रिलीज्ड और हैव बीन रिलीज्ड आउट इन द रीसेंट पास्ट. सो द लेयर बिलो द सॉलिड क्रस्ट इज मेंटल, आपको पता ही है. इट हैज हाईली हायर डेंसिटीज देन दैट ऑफ द क्रस्ट. क्यों, जितना अंदर जाओगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी. द मेंटल कंटेन्स अ वीकर जोन, ठीक, कॉल्ड एस्थोनोस्फेयर. मैंने आपको बताया था ना अपर मेंटल, एस्थोनोस्फेयर बीकर जोन. इट इज फ्रॉम दिस दैट द मोल्टन रॉक मटेरियल्स फाइंड देयर. क्योंकि ये चूंकि बीक है तो यहाँ से जो पिघला हुआ मैग्मा वगैरह होता ना
वो सरफेस पे चला जाता है, ठीक है, उसको रास्ता मिल जाता है. द मटीरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड मैगमा. अच्छा, अपर मेंटल वाला ही होता है मैगमा. वंस इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द क्रस्ट और इट रीचेस द सरफेस, इट इज रेफर्ड टू एज लावा. तो ध्यान रखना, अपर मेंटल पोर्शन को ही बोलते हैं मैगमा. द मटीरियल दैट रीचेस द ग्राउंड इंक्लूड लावा, फ्लोज करता है पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, वॉल्केनिक बॉम्ब्स, ash and dust and gases such as nitrogen compounds, sulfur and minor amounts of chlorine, hydrogen and argon. ये सारी निकलती हैं हमारी gases जब blast होता है volcanoes. ठीक है, okay. Volcanoes की बात करें तो volcanoes are classified on the basis of nature of eruption and the form developed at the surface. Major type of volcanoes तो हम देखते हैं. Number एक हमारा है shield volcanoes. ठीक. So varying the basalt flows, the shield volcanoes are the largest of all the volcanoes on the earth. Very very important. यहाँ से ये fact बहुत important है. ठीक, लिख लो. हमारे जो sealed volcano हैं वो largest of the all volcanoes of the earth पे हैं. ठीक, the Hawaiian volcanoes are the most famous. हाँ, ये बताना भूल गया था. The Hawaiian island, sorry, volcanoes are the most famous examples. These volcanoes are mostly made up of basalt, a type of lava that is very fluid when erupted. For this reason, these volcanoes are not steep. ये ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं. They become explosive if somehow water gets into the vent. अगर vent मतलब जो इनकी नली होती है ना, जहाँ से erupt हो रहे होते हैं, अगर इसमें पानी चला गया तो ये फटाफट erupt हो जाते हैं. ठीक. Otherwise, they are characterized by low explosivity. The upcoming lava moves in the form of a fountain and throws out the cone at the top of the vent and develops into cinder cone. और ये कौन डेवलप कर लेते हैं इस टाइप की. बट इट ध्यान रखना, शील्ड वोल्केनोस हैं, सॉरी वोल्केनोस नहीं, वोल्केनोस, शील्ड वोल्केनोस हैं जो लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनोस हैं, सबसे बड़े हैं हमारे. ठीक. नेक्स्ट हमारे कंपोजिट वोल्केनोस. दीज वोल्केनोस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विशियस लावास देन बेसाल्ट. दीज वोल्केनोस ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव इरप्शंस इनमें होते हैं, अलॉन्ग विद लावा निकलता है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ pyroclastic material and ashes find their way to the ground. So this material accumulates in the vicinity of the vent openings, leading to the formation of layers, and this makes the mounds appear as composite volcanoes. Okay. Next है हमारा caldera. ठीक, ये भी important है. क्यों? क्योंकि ये most explosive of the earth volcanoes हैं. ये most explosive हैं. लार्जेस्ट कौन थे हमारे? सील्ड हैं. कालडेरा हमारे मोस्ट एक्सप्लोसिव हैं अर्थ के वोल्केनोज में. दे आर यूजली सो एक्सप्लोसिव दैट व्हेन दे इरप्ट, जब इरप्ट होते हैं, दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ. इरप्ट हुए, खुद पे ही गिर पड़े. ठीक. रादर देन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर, द कोलैप्स्ड प्रिपरेशन आर कॉल्ड कालडेरास. ऑलराइट. सो देयर एक्सप्लोसिवनेस इंडिकेट दैट द मैग्मा चैम्बर सप्लाइंग द लावा इज नॉट ओनली ह्यूज बट इट ऑल्सो इन क्लोज विसिनिटी. यानी कि इनका लावा बहुत पास पास होता है, फटाफट फटाफट गिरता रहता है, उड़ता रहता है. नेक्स्ट है हमारा फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस वाले. सो भैया, दीज वोल्केनोज आउटर आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा. ठीक. दैट फ्लोज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस. सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ थिक बेसाल्ट लावा फ्लोज. देयर कैन बी अ सीरीज ऑफ फ्लोज विद सम फ्लोज अटेनिंग थिकनेस. थिकनेस ऑफ व्हाट? थिकनेस ऑफ more than 50 meter. Individual flows may extend for hundreds of kilometers. The Deccan Rift jo hamara hai na, from India, presently covering most of the Maharashtra plateau, are a much larger flood basalt province hai. Okay. It is believed that initially the trap formation covered a much larger area than the present. So hamara India mein jo hai na, Deccan plateau, Maharashtra plateau, thik, Deccan Rift wala, wo फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस वाला है. नेक्स्ट है लास्ट हमारा मिड ओशन रिज वोल्केनोस. ये क्या होते हैं? ये भैया ओशन के बीच में होंगे. सो दीज वोल्केनोस अकर इन द ओशन एरियाज. देयर इज अ सिस्टम ऑफ मिड ओशन रिजेस मोर देन 70,000 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रेचेस थ्रू द ऑल द ओशन बेसिंस. सो भैया, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस रिजेस एक्सपीरियंस करता है फ्रीक्वेंट इरप्शंस. वी शैल बी डिस्कसिंग दिस इन द डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर. ओके. वोल्केनिक लैंडफॉर्म भी बनाएंगे. ठीक. अब एक के बारे में देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा खत्म नहीं करना चाहेंगे. सबसे पहला है इंट्रूसिव फॉर्म्स. ये क्या होता है? द लावा दैट इज रिलीज ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन ऑन कूलिंग
डेवलप्स इनटू इग्नियस रॉक्स. आपको बताया था ना इग्नियस रॉक्स किससे बनते हैं, हमारा जो लावा निकला उससे सबसे पहले जो फॉर्मेशन होता है इग्नियस रॉक्स. द कूलिंग मे टेक प्लेस ईदर ऑन रीचिंग द सर्फेस और ऑल्सो वाइल द लावा इज स्टिल इन द क्रस्टल पोर्शन. कई बार लावा बाहर निकल के जमता है, कई बार अंदर ही अंदर जमने लगता है, ठीक है, वेंट के अंदर. सो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ द लावा इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड एज वोल्केनिक रॉक्स. क्यों? कूलिंग एट द सर्फेस, क्योंकि वो बाहर कूल हो रहे हैं. एंड प्लूटोनिक रॉक्स कूलिंग, ध्यान रखना इनके बीच में डिफरेंस. वोल्केनिक रॉक्स हैं जो बाहर कूल हो रहे हैं, लेकिन प्लूटोनिक रॉक्स हैं कूलिंग इन द क्रस्ट, जो क्रस्ट यानी कि पृथ्वी के अंदर ही जो कूल हो रहे हैं उनको बोलेंगे हम प्लूटोनिक रॉक्स. वेरी इंपॉर्टेंट, अंदर वाले हैं प्लूटोनिक और बाहर वाले हैं वोल्केनिक, क्योंकि वो बाहर आ चुके हैं वोल्केनो से. ठीक. द लावा दैट कूल्स विद इन द क्रिस्टल पोर्शन अजम्स डिफरेंट फॉर्म्स, सो दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव फॉर्म्स. यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत ऐसा बनेगा ना, आई डोंट नो कैसा बनेगा, जो भी बनेगा, बट क्वेश्चन अगर एक बार आ गया फिर आपको उस टाइम पर नहीं आया, जब आप आके बुक देखोगे एनसीईआरटी खोलोगे आपको लगेगा यार यहाँ से पूछा और हमने यहाँ पढ़ा था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया था, तो यही है. ठीक, ओके. नेक्स्ट है हमारा यार बैथोलिथ्स. ठीक, बैथोलिथ क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है. अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स बन जाते हैं इसमें. ओके, सो दे अपीयर ऑन द सर्फेस ओनली आफ्टर द डिनुडेशनल प्रोसेस रिमूव द ओवरलेइंग मटीरियल्स. ओके, दे कवर लार्ज एरियाज एंड एट टाइम्स अज्यूम डेप्थ दैट मे बी सेवरल किलोमीटर. दीज आर ग्रेनाइटिक बॉडीज. बैथोलिथ्स आर क्या है, द कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर्स. ओके, मैग्मा चैम्बर्स का जो ठंडा पोर्शन उसको बोलते हैं बैथोलिथ्स. तो ध्यान रखना ये क्रस्ट के डीपर पोर्शन में होते हैं. और उसके बाद आता है लैकोलिथ. ठीक, इनके बीच में डिफरेंस बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. दीज आर लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज विद अ लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाई अ पाइप लाइक कंडिगूड फ्रॉम बिलो. इट रिजेंबल्स द सर्फेस वोल्केनिक डोम्स ऑफ कंपोजिट वोल्केनो. Only these are located at deeper depths. It can be regarded as the localized source of lava that find its way to the surface. The Karnataka plateau is spotted with small hills of granite rocks. ध्यान रखना, हमारे कर्नाटक में है granite rocks का मिलेगा आपको. Most of these now exploited are examples of lacholiths or या फिर batholiths. ठीक. Last lapolith, phacolith and sills. As and when the lava moves upwards, जब लावा बाहर आता है, a portion of the same may tend to move in a horizontal direction में होता है. So whereas, wherever it finds a weak plane, it may get rested in different forms. In case it develops into saucer shape, concave to the sky body, it is called lapolith. इस shape में जो जमा होता है, उसको बोलते हैं lapolith. A wavy mass of intrusive rocks at times is found at the base of synclines or at the top of anticline in folded igneous country. Such wavy materials have a definite conduit to source beneath in the form of magma chambers, subsequently developed as batholiths, and these are called the phacoliths. मेरे को भी समझ नहीं आया, sorry. फिर से देखेंगे अभी. A wavy mass of intrusive rocks. heavy intrusive rocks की बात कर रहा है. At times is found at the base of syncline. अब जो heavy है वो base of the syncline में मिलेगा obviously, या फिर मिलेगा top of the anticline. ठीक, in folded igneous country. अब ये country कैसे आ गया बीच में, चलो देखते हैं. So such wavy, अच्छा जो heavy material होता है, have a definite conduit to source beneath in the form of magma chambers. Obviously वो नीचे होगा beneath in the मैग्मा चैम्बर्स में, भी नीचे होगा. सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड एज बैथोलिथ. अच्छा, बैथोलिथ के पास में जो होता है नीचे उसको बोलते हैं फेकोलिथ. द नियर हॉरिजेंटल बॉडीज ऑफ द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड सिल. द नियर हॉरिजेंटल बॉडीज ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जिसको बोलते हैं सिल या फिर शीट. डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द मटीरियल द थिनर वंस आर कॉल्ड सीट्स व्हाइल द थिक वाले बोलते हैं सिल्स. पतले वाले शीट और मटाले सिल्स. लास्ट इज डाइक्स. सो व्हेन द लावा मेक्स इट्स वे थ्रू क्रैक्स एंड द फिशर्स डेवलप्ड इन द लैंड इट सॉलिडिफाइज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. ठीक, ये अगर मान लो ग्राउंड है हमारा
पैसे जम जाता है। इट गेट्स होल्ड इन द सेम पोजिशन टू डेवलप अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। सच स्ट्रक्चर आर कॉल्ड डाइक्स। बॉल लाइक यानी डाइक्स मतलब हिंदी में बोलेंगे दीवार डाइक का स्ट्रक्चर बनाता है, डाइक हो जाता है। सो दीज आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड इंट्रूसिव फॉर्म्स इन द वेस्ट एंड महाराष्ट्र एरिया। दीज आर कंसिडर्ड द फीडर्स फॉर द इरप्शंस दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द डेक्कन ड्रम्स। ओके क्वेश्चंस लगाते भैया, चैप्टर खत्म है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव इज मोर डिस्ट्रक्टिव? नो नो यस, इनका दूसरा नाम क्या है? एल वेव्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? अर्थक्वेक वेव्स नहीं, ग्रेविटेशनल नहीं, अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं, यस वोल्केनोस, क्योंकि यहीं से निकलता है हमारा मैग्मा वगैरह, लावा वगैरह। ठीक, अच्छा लावा मैग्माओं के अंतर जब बाहर आ गया तो लावा मैग्मा है, अंदर अंदर किसमें होता है? अपर मेंटल को ही क्या बोलते हैं? लावा, मैं सॉरी मैग्मा। विच टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस हैव कॉज्ड डेक्कन ड्रम फॉर्मेशन? आपको बताया था ना, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर में क्या आता है? हमारा क्रस्ट पूरा आएगा और ऊपर का मेंटल आएगा, और अपर मेंटल को ही क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया ये मैग्मा। ठीक, ये चीजें ध्यान रखना। ऑलराइट, वी आर एंडिंग विद दिस चैप्टर, सी यू टुमारो। कुछ चीजें अगर आपको समझ में नहीं आएंगी, आई एम श्योर ऐसे समझ आनी चाहिए, अगर नहीं आई थोड़ी हेल्प खुद से ले लो, अदरवाइज यू कैन कॉन्टेक्ट मी स्टिल, क्योंकि मुझे नहीं पता ऐसे कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं आया, बट अगर आपको नहीं आया यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस व्हाट्सएप और यू कैन कमेंट डाउन। ओके, बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको टेलिंग यू कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक, मतलब इस चैप्टर से, इन चैप्टर से जो भी 11th का पढ़ा रहा हूँ इससे, आज की डेट में। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अच्छा से पढ़ाई करो, बाय बाय, गुड डे।